हरियाणा आईटीआई की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है 24/8/2022 को। और कौन कौन सी कब मेरिट लिस्ट आएगी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और आप कैसे मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं वो मैं आज फुल डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा देना जिससे आईटीआई की आने वाली नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर मिल जाए। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है हरियाणा आईटीआई एडमिशन। इतना सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे देखना है कि आईटीआई मेरिट लिस्ट 2022 डाउनलोड फर्स्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप। आप मोबाइल में करते हो तो आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हो, क्योंकि इस ग्रुप में आईटीआई संबंधित या सरकारी नौकरी संबंधित लिंक और नोटिफिकेशन आते रहते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी है, यहाँ पे गूगल न्यूज वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉलो। और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हरियाणा आईटीआई फर्स्ट मेरिट लिस्ट अवेलेबल है 3rd week 4 August। और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। 30 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट 16 अगस्त थी। और जो फर्स्ट काउंसलिंग है ये मेरिट लिस्ट की, वो 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक है। और जो सबमिट फीस है वो आपकी 24 से 27 अगस्त तक 2022 तक आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आप 24 से 27 के बीच आप एडमिशन करा सकते हैं। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपकी 2 सितंबर से है। आप एडमिशन सेकंड काउंसलिंग में आपका नंबर पड़ जाता है या मतलब आ जाता नंबर तो आप 2 सितंबर से 5 सितंबर तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 सितंबर से 5 सितंबर तक आप एडमिशन करा सकते हैं। और आपको कैसे मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है अब वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितने आएगी मेरिट लिस्ट, कौन सी डेट को आएगी और कितने डेट तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है डाउनलोड हरियाणा आईटीआई मेरिट लिस्ट। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में आपको क्या करना है आपको मैं एक बात और बता दूं। पहले जो ये मेरिट लिस्ट लगी हुई है ये 3 दिन या 4 दिन के बाद अगली मेरिट लिस्ट आती है। जैसे कि 27 अगस्त पहली मेरिट लिस्ट की लास्ट डेट है एडमिशन फीस के लिए, और उसके बाद 3 दिन या 4 दिन के बाद ये 2 सितंबर आता है। तो आपकी 2 से 5 तारीख के बीच मेरिट लिस्ट आ जाती है, और 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद 3rd मेरिट लिस्ट आएगी, इसके बाद 4th मेरिट लिस्ट आएगी। इसी प्रकार से मेरिट लिस्ट आएगी। और अब जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आप नंबर डाल सकते हैं। आप सेकंड देखना चाहते हैं तो सेकंड नंबर पे, और 5th देखना चाहते हैं तो 5th नंबर पे। इसी प्रकार से आप जितनी भी मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है।
यहाँ पे आपको आईडी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो शुरुआत में आप फॉर्म भराने के लिए जाते हैं तो आप मोबाइल नंबर डाल के जो रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी मिलती है आपको ICA, उसके बाद नंबर पूरा पूरा नंबर यहाँ पे ICA नंबर डाल के और पीछे जो नंबर है वो डाल के यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट जिस भी भाई का है उस भाई का नाम यहाँ पे डालना है और गो पे क्लिक करना है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली मेल लिस्ट है उसमें मेरा नंबर नहीं पड़ा है, यहाँ पे सॉरी आ गया है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है और मेरे पिताजी का नाम और यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। इस प्रकार से आप अपनी मेल लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। साथ में जो आगे आने वाली क्लासेस है ITI की, जैसे मैथ है, उनकी भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे डालूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।